हेलो गाइस, वेलकम टू HDXP गेमिंग। तो गाइस, क्या आप ऑनलाइन गेम्स लाइक पबजी, फ्री फायर खेलने के लिए पोको F1 डिवाइस यूज करते हो और एक दो मैच खेलने के बाद आपका फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है? अगर आप पोको F1 का यूजर हो तो आपका फोन तो बहुत ज्यादा हीट होता होगा, क्योंकि पहले भी एक दो मैच खेलने के बाद मेरा फोन बहुत गर्म हो जाता था। लेकिन मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल चुका हूँ, तो मैं आगे इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ। अगर आपका सेम प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी कंपनी का फोन आप यूज कर रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपका जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, अगर आप इस टाइप का वीडियो आगे देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, आप जो भी फोन यूज कर रहे हो उसमें अगर आप बैक कवर का यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गेम खेलते टाइम आपको यूज नहीं करना है। अगर आप बैक कवर लगा के गेम खेलोगे तो आपका फोन बहुत ज्यादा हीट होगा। तो आप जब बैक कवर लगा के गेम खेलते हो, आपका फोन का जो हीट है वो आपका बैक कवर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका जो फोन है उसको और ज्यादा गर्म कर देता है। इसलिए आपको हमेशा गेम खेलते वक्त बैक कवर का यूज नहीं करना है। पॉइंट नंबर टू, आप जब गेम खेलोगे तो उस टाइम आपका फोन जो है उसको चार्जिंग में नहीं लगाना है। अगर आप चार्जिंग में लगा के पबजी खेलते हो तो आपको पता होगा कि आपका फोन कितना ज्यादा हीट होता है और उसके साथ बहुत ज्यादा लैग भी होता है गेम में। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका फोन में इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकता है। गाइज, मैं भी यही गलती करता था। मेरा जब 10%, 15% या 20% फोन में चार्ज होता था, तब मैं चार्जिंग में लगा के, मतलब पावर बैंक में लगा के गेम खेलता था। तो इस वजह से मेरा फोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, इसमें बैटरी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज से आपका फोन जब चार्ज होगा तो उस टाइम कुछ नहीं करना है, जब फोन फुल चार्ज हो जाएगा उसके बाद ही गेम खेलना है। पॉइंट नंबर थ्री, आप जब गेम खेलोगे तो आपको एक चीज देखना है, आपका जो रनिंग ऐप है, मतलब बैकग्राउंड जो ऐप चल रहा है बैकग्राउंड में, तो उसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसको क्लियर करके गेम ऑन करना है। बैकग्राउंड में जो ऐप चलेगा उसको पूरा क्लियर करना होगा, उसके बाद एक बार स्विच ऑफ करना होगा। ठीक है, फोन को रिबूट कर लेना है, उसके बाद ही गेम स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका फोन का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और आपका फोन में हीट बहुत कम देखने को मिलेगा और एकदम स्मूथ गेम चलेगा, बहुत कम लैग देखने को मिलेगा। और अगर आप पोको F1 का यूजर हो तो आपको डेली एक बार सिक्योरिटी क्लियर करना ही होगा। ठीक है, आप अगर सिक्योरिटी क्लियर नहीं करोगे तो आपका फोन लैग भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है। तो आपको डेली एक बार करके सिक्योरिटी क्लियर करना होगा। इसके अलावा अगर आपका फोन बहुत ज्यादा लैग होता है तो उसका एक पार्टिकुलर वीडियो मैं बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैं कुछ लैग फिक्स करने का टिप्स एंड ट्रिक्स बताया हूँ जो आपका काम आ सकता है। पॉइंट नंबर फोर, ये ट्रिक थोड़ा सा यूनिक है लेकिन बहुत ही काम का है। तो गाइज, आप जब गेम खेलोगे तो उससे पहले एक काम करना है, आपका जो फोन है उसको फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख देना है। लेकिन मैं 5 मिनट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 5 मिनट ही रखना है। ये आपको देखना होगा कि आपका फोन कूल होने में कितना टाइम ले रहा है। पहले फोन को फ्रिज में रखो और 1 मिनट के बाद चेक करके देखो, अगर नहीं हुआ तो और 2 मिनट रखो और फिर से चेक करके देखो। ऐसे करके आपको देखना है। और हाँ, फोन को एकदम डायरेक्टली फ्रिज के अंदर नहीं रखना है, पहले फोन को पूरी तरह से पेपर में कवर करना है या प्लास्टिक बैग से भी कर सकते हो, उसके बाद आप फोन को फ्रिज में रख सकते हो। और कवर में कोई लीकेज वगैरह नहीं रखना है। और अगर आप ऐसे ही फोन को फ्रिज में रख दोगे तो आपका फोन खराब हो सकता है। ये ट्रिक आपको बहुत ही केयरफुली करना है, जैसे मैं बताया वैसे ही करना है। मैं खुद इस ट्रिक को ट्राई करता हूँ, इसीलिए आपके साथ शेयर किया। बाकी आप अपने डिस्क पे ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप जब गेम खेलोगे तो उस टाइम आपको फैन ऑन करके, मतलब फैन के सामने बैठ के गेम खेलना पड़ेगा। मतलब आपका जो डिवाइस है उसको हमेशा ठंडा रखने की कोशिश करना है। जितनी देर तक डिवाइस का टेम्परेचर लो रहेगा उतनी देर तक आप गेम को स्मूथली खेल पाओगे, गेम में कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो आप फोन हीटिंग का प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लेते हो तो और एक प्रॉब्लम फ्री में सॉल्व हो जाएगा, वो है लैग, अगर आपका पिंग ठीक ठाक है तो। और अगर गेम खेलते वक्त पिंग बहुत हाई हो रहा है तो उसका भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना, तो आपका पिंग काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और जिन लोगों का ये प्रॉब्लम है तो उसके साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नीचे नीचे नीचे, अरे दाणी नीचे मुखे नीचे नीचे कॉल कोची तो।